फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूं, तो आज एक कंटेंट और लेकर के आया हूं। तो मैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में यूएमटी के अपडेट के बारे में डाला था, तो वैसे ही मैं आज एक अपडेट डाल रहा हूँ एमआरटी के ऊपर कि एमआरटी में क्या क्या है, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। ये मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। मैं ये एमआरटी का अपडेट आपको देने वाला हूँ। हमेशा नए नए कंटेंट आपके लिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, एमएमसी से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपको एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए और एक आपको सही गाइडलाइन चाहिए, तो आप इसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि आप जो मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड है, उससे आपको अगर सही वे में काम करना है, तो इसे टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करें। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे और नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहेंगे। आई होप आप हमारे वीडियो देखते भी होंगे, उसमें काफ़ी आपको सर्टिफाइड होंगे हमारे वीडियो से। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे। तो चलिए, हम एमआरटी का अपडेट आपको सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। तो इसे हम फाइनली लगा लेते हैं। और सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है। आपको सीधे लिख देना है फ्रेंड्स, एमआरटी लेटेस्ट सेटअप लिख देना है। आपको एमआरटी डोंगल देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेटेस्ट सेटअप आपको लिख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन 3.88 पर, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्जन 3.89 भी आ चुका है। तो आपको इसे क्लिक करना है। सिंपली आपको क्लिक करने के बाद, सीधा आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। और ये इंटरफेस खुल जाएगा तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके, मैंने एक्चुअल में डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये इस तरीके का पेज खुलेगा और उसके बाद सीधा आप फाइनली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेटअप कहाँ पे है सारी चीजें। तो ये जो सेटअप था हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे है हमारा वर्जन 3.89। उसके ऊपर आप देखेंगे कि वर्जन V3.81 है। तो ये हमारा जो अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है फ्रेंड। दूसरी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आप, अगर आपका एमआरटी, जो आपका एमआरटी है, अगर नहीं ओपन हो रहा है, तो आप हमेशा एमआरटी को नेट कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ की अगर जो बेसिक है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें शुरू से बताता हूँ, जो नए देख रहे हैं, पुराने देख रहे हैं, सबके लिए काम आती है। तो आपके पास अगर नेट कनेक्शन नहीं होगा, नेट स्लो होगा, तो भी ये नहीं खुल सकता है। और दूसरा चीज़ खुलने का ना रीज़न कि आप इसको हमेशा, ये जिप फाइल आती है, कोई भी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं आता है, आपको डायरेक्ट सेटअप आता है। जैसे आप इसको स्ट्रैक करेंगे, स्टेप टू करेंगे, और यहाँ पे ये फाइल हमारी स्टेप हो जाएगी। तो जैसे स्टेप होगा, तो ये फाइनली फ्रेंड हमारा डायरेक्ट सेटअप दे देता है। देखिए, देख सकते हैं एमआरटी वर्जन 3.89 यहाँ पे चल रहा है। आप इसे फाइनली जा करके बहुत ही इजी तरीके से चला सकते हैं। इसमें कोई भी आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं खुलता है, तो आप हमेशा फ्रेंड उसको क्या करेंगे, रिस्टेक करेंगे हमेशा फाइलों को। तो चलिए, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अगर ये हमारा यहाँ पे नहीं खुलता, तो हम इसे क्या करते हैं, फाइल को वापस से रिस्टैक करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपका बहुत ही इजीली तरीके से खुल जाएगा। तो जो यहाँ पे अपडेट है, मैं आपको यहाँ पे अपडेट यहाँ पे अभी दिखाऊंगा सारी चीजें। मैं आप वीडियो में, इसीलिए आप लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो, अगर मेरे वीडियो से आप अगर संतुष्ट होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये हमारा जो सेटअप है, जो हमारा ये इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं एमआरटी की वर्जन 3.89, जो कि हम आपके सामने लाइव खोल रहे हैं। हम कोई भी क्रैक पे वीडियो नहीं बनाया अभी तक हमने। तो ये जो है, मैं डोंगल पे ही काम करता हूँ, क्योंकि अगर आपको काम करना है इस फील्ड में, तो आप एक बार डोंगल परचेस कर लो, जिससे आपको हमेशा नए नए अपडेट्स तुरंत मिलेंगे। फिर आप क्रैक का इंतजार करोगे, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हैज बिन सक्सेस हो चुका है हमारा, यहाँ पे 8.3.89। और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू अपडेट के बारे में इंटरफेस, कभी भी आपको पढ़ा करिए, तो ये लाइन आप हमेशा पढ़ लिया करिए। देखिए, लिखा हुआ है न्यू अपडेट फॉर वीवो, सोमी, रेडमी, हवाई, वीवो न्यू MIUI विदाउट डाउनग्रेड, विदाउट VPN अनलॉक। समझ में आ रहा है? उसके बाद विथ MRT विदाउट रीलॉक, मतलब जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सोमी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम MI अकाउंट को हटाते हैं, उसके बाद वापस से MI अकाउंट लॉक रीलॉक हो जाता है। तो इसमें इन्होंने जो बताया है कि हम यहाँ पे MI का, जो आप MI अकाउंट हटाते हैं, आप जाएंगे सोमी में, सोमी में जाने के बाद आप कोई सा भी मॉडल आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज
जो भी आप मॉडल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे बहुत सारे फाइनली सारे मॉडल यहाँ पे 10 MI Redmi X10 Pro तक यहाँ पे है और X10 5G तक यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। तो जैसे यहाँ पे नोट 8 में आपने देखा था या नोट 8 प्रो में या नोट 9A में आपने देखा था कि जैसे हम MI अकाउंट को रिमूव करते थे सीधा आपको जाना है इरेज अकाउंट में और कर देना है यहाँ पे स्टार्ट, पर फोन आपका 9008 पोर्ट में कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो क्वालकॉम है, मीडियाटेक है तो ब्राउन मोड में कनेक्ट होना चाहिए, सारी चीजें हैं। तो दूसरी चीज फ्रेंड कि जैसे MI अकाउंट हटता था तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वापस से जब कभी हट जाता था तो उसमें जैसे आप वाईफाई कनेक्ट करते थे तो उसको फिर से MI अकाउंट लग जाता था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको फाइनली मेरे पास अभी कोई सेट नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने करके दिखा था कि ये क्या एक्चुअल में लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इनका जो अपडेट था, बिग अपडेट था कि इन्होंने बताया है कि हमने यहाँ पे सीधा और सीधा जो री लॉक था वो नहीं लगेगा। तो आई होप ये जो सबसे बड़ा है कि बाकी UMT में भी है एंट्री री लॉक का ऑप्शन, UMT में भी दिया हुआ है। मैं क्यूसी फायर का जैसे ही नया अपडेट आएगा तो मैं क्यूसी फायर के अपडेट में ये मेंशन जरूर करूंगा कि MI अकाउंट अगर आपका लगा हुआ है और उसको बार बार हो रहा है तो एंट्री री लॉक कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें। तो ये बेसिकली ये है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल नए नए ऐड होते रहते हैं जो कि ये आप देख सकते हैं 3.89। और यहाँ पे वीवो ऐसा नहीं है कि सौमी के लिए है, यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ओप्पो वीवो दोनों ही मॉडलों को ये इंटरफेस हमारा जो 3.89 का इंटरफेस है, यहाँ पे कई सारे मॉडल्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालकॉम मीडियाटेक से रिलेटेड। यहाँ पे कई सारे मॉडल यहाँ पे 3 रियलमी 3 रियलमी ये सारे काफी ज्यादा मॉडल यहाँ पे इन्होंने डाल के रखे हुए हैं। तो आपको बेसिकली ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये जो मैं जानकारी आपको देता हूँ वो कैसा लगा आपको। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आप हमारे दिए गए जानकारी से संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये है, तो ये वीवो का भी है, वीवो में भी जाके आप मॉडल सेलेक्ट करके अपना जो भी मॉडल होगा यहाँ पे अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है, Y19 या फिर Y20, Y20S यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सीधा सिंपली हमें क्या करना है कि फॉर्मेट, जैसे हम ये सारी चीज़ डिटेल, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तभी आपको सारा प्रोसेस पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट अनलॉक और सीधा आपको कर देना है स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा 9008 पोर्ट लेगा और यहाँ पे इजली तरीके से अनलॉक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा डोंगल है ये भी MRT का, मैंने वीडियो में हमेशा डालता रहता हूँ। अभी मैं रिसेंटली वीडियो UMT का अल्टीमेट MTK के ऊपर डाला है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाइए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, Y71, Y79, Y83, यहाँ पे हम बात करें Y93, Y90, YU, U1, Z1, Z1i, Z1X, Z3, ये बहुत सारे मॉडल, U20, U20 का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, वीवो क्वालकॉम ये यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे है, ये सारा अपडेट है नए नए मॉडल्स। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड, जब ये अपडेट होता है तो नए नए लोडर यहाँ पे डाले जाते हैं बॉक्सेस में, और ये सौमी का हो गया, उसके बाद ये हवाई का है। हवाई का भी आपको लाइव प्रैक्टिकल हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। यहाँ पे फिर मेजूस हो गया, मेजूस के बाद यहाँ पे क्यूसी टूल हो गया, क्यूसी टूल के बाद अदर्स मोबाइल हो गए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे लेनोवो, ये सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। लेनोवो के भी आप जा करके मॉडल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इजी तरीके से, चाहे आप अनलॉकिंग हो या फॉर्मेट हो के 520, आप यहाँ पे फॉर्मेट और इरेज FRP या उसमें कोई अकाउंट लगा हुआ है तो आप इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये जो हमने बताया है ये 2.60, इसमें वही है सारी चीज़ें, आप इसको जानते ही जानते हैं। आप यहाँ से डिवाइस में अगर खोल सकते हैं तो बेसिक चीज़ें लिखा हुआ है। तो जो इसका मेन अपडेट था ये इंटरफेस है हमारा वर्जन 3.89, जो कि सबसे मस्त था कि जो आपका MI अकाउंट बार बार रीलॉक मतलब लॉक लग जाता है, तो यहाँ से अगर आप MI अकाउंट हटाते हैं तो आपका नहीं हटेगा। मैं ये प्रैक्टिकल वीडियो आने वाले समय में मैं दिखाऊंगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।